आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, जहां अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर धरना प्रदर्शन। मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर किया है धरना प्रदर्शन, पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प, कई लोग हुए हैं घायल। शिक्षक अभ्यर्थियों की पुलिस ने की है इको गार्डन में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, जहां अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास को घेरा। मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन, पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प, कई लोग हुए हैं घायल। शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने इको गार्डन भेजा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास को घेरा। मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर घेरा है अभ्यर्थियों ने, पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प हुई है। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो आयकर विभाग ने लिया है एक्शन। आयकर विभाग ने मनोज यादव के घर पर की है छापेमारी, कई गाड़ियों से मनोज यादव के घर पहुंची है टीम। आरसीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं मनोज यादव। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आयकर विभाग ने लिया है एक बड़ा एक्शन, जिसके चलते आयकर विभाग ने मनोज यादव के घर पर की है छापेमारी, कई गाड़ियों से मनोज यादव के घर पे पहुंची है टीम। आरसीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं मनोज यादव। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।